कौन स्टेप में हमें एनर्जी यूटिलाइज करने की जरूरत पड़ती है सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्लाइकोलिस एंड ग्लाइकोलाइसिस वर्ड का मतलब होता है कि द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज द वर्ड ग्लाइकोज मींस होता है शुगर द वर्ड ग्लाइकोज मतलब होता है शुगर एंड द वर्ड लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन

क्यों जरूरत पड़ती है ग्लाइकोलिस यानी कि वट आर द मेजर यूटिलाईजेशन ऑफ ग्लूकोज ये पहले समझते हैं देन वी विल मूव टू दू द ग्लाइकोलिस प्रोसेस सो मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज यूटिलाईजेशन शुड बी लाइक दैट वट वॉज द मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ग्लूकोज यूटिलाइजेशन के क्या क्या मेजर पाथवेज होते हैं जैसे अगर मैं सेंटर में रख दू ग्लूकोज को कहा रख दो इसको सेंटर में ठीक है सेंटर में रख दिया ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स क्या फॉर्मूला होता है दिस वन इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दिस वन इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑन द सेंटर तो ये क्या करते हैं भाई ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टार्च के फॉर्म में और यू कैन से ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज इस्तेमाल किया जाता है दूसरा ये स्टोरेड हो गया तीसरा दूसरा अगर हम बात करें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है टू प्रोड्यूस द एनर्जी यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज सेकेंड स्टेप देख लेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन यानी दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को क्या कहते हैं ग्लाइकोलिसिस और ये क्यों कराया जाता है जस्ट बिकॉज प्रोवाइडिंग द एनर्जी एनर्जी इसी प्रोसेस के थ्रू ऑप्टेन की जाती है सो इट कन्वर्ट इनटू ऑक्सीडेशन से ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में पायरुवेट इज द थ्री नंबर कार्बन कंपाउंड जो ग्लाइकोलिस का प्रोडक्ट माना जाता है ग्लाइकोलिस का प्रोडक्ट होता है ठीक है नेक्स्ट मूव करते हैं कि ग्लाइकोलिजन सॉरी ग्लूकोज इज ऑक्स ग्लूकोज हैव ऑक्सीडेशन थ्रू पेंटोज पाथवे ऑक्सीडेशन थ्रू द पेंटोजोट पाथवे देन वट विट बिल फॉर्म रूबिलोज फाइव फोर्सफेट क्या प्रोडक्ट बनता है इसको रूबिलोज फाइव फोर्सफेट ओके वन मोर थिंग ग्लूकोज इज यूज एज ए स्ट्रक्चरल कंपाउंड स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलुलोज सेलुलोज़ किसका बना होता है ग्लूकोज का काइटीन काइटीन है बॉल्सो जिसके लिए काइटीन को भी हटा देंगे नैग नाम भी होते हैं इसमें तो हो गया

यहाँ पर और यहाँ पर मेजरली ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जाता है और हमें बेसिक स्टार्टिंग से डिटेल में हमें इस वाले पाथवे को आज की क्लास में डील करना है ठीक है तो चलो देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है ग्लाइकोलिसिस को कहते हैं इट इज द ऑलमोस्ट यूनिवर्सल प्रोसेस ऑलमोस्ट यूनिवर्सल नॉट यूनिवर्सल ठीक है यूनिवर्सल जब कह देंगे तो वो सारे ही सेल्स में परफॉर्म किया जाएगा हर जगह पे परफॉर्म किया जाएगा बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑलमोस्ट यूनिवर्सल तो इट इज नियर अबाउट द यूनिवर्सल कुछ दे आर वेरी माइन्यूट प्लेस सो इट इज द ऑलमोस्ट यूनिवर्सल प्रोसेस ऑलमोस्ट यूनिवर्सल बात में इट इज अलमोस्ट यूनिवर्सल पाथवेज अब ग्लाइकोलिस होता क्या है पाथवेज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ ग्लूकोज मेटाबोलिज्म एज वेल ग्लूकोज मेटाबोलिज्म नाउ वॉट इज ग्लाइकोलिस उन हो रिएक्शन होता है चेन रियाक्शन वे ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन एंड कन्वर्टेड इन टू थ्री कार्बन कंपाउंड दट इज द पायरुविक एसिड और इसका जब आयोनिक फॉर्म बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज द पायरुवेट आयन सो ग्लाइकोलिस इज द प्रोसेस ग्लाइकोलोजिस इज द प्रोसेस बाई विच ग्लूकोज इज डिग्रेडेड डिग्रेडेड कह सकते हो या ऑक्सीडाइज कह सकते हो ग्लूकोज इज डिग्रेडेड इन ए Series of Enzyme Series of Enzyme based reaction Enzyme catalyzed reaction to yield वाई आई एल डे ना सॉरी टू एल टू मॉलिक्यूल ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड इसका नाम क्या है पायर्विक एसिड पायुर्विक एसिड ये बनाने के लिए इतना पूरा का पूरा चेन चलता है तो ग्लूकोज इज द मेजर पाथवे ग्लूकोज इज है मेजर यूटिलाइजेशन और इसका यूटिलाइजेशन कई तरीके से हो सकता है स्टोर करके स्ट्रक्चर फॉर्म करके एनर्जी बनाने के लिए एंड इसका ऑक्सीडेशन दो जगह पे ऑक्सीडेशन थ्रू द पेंटोज पेंटोसोस्फेट एंड ऑक्सीडेशन थ्रू द ग्लाइकोलिस तो ग्लाइकोलिस वाला हमें डिस्कस करना है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ तो परसूकोज इज द प्रोसेस ग्लूकोज इज डिग्रेडेड इन ए सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन एक एंजाइमेटिक बेस्ड रिएक्शन होते हैं टेन स्टेप प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और टेन इंजाइम इसमें लगे लगे रहते हैं अब इस पाथवे को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं कितने पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में तो दो फेजेस होते हैं इस पाथवे के वन इज द प्रिपरेटरी फेज एक को हम लोग क्या कहते हैं प्रीपरेटरी फेज यानी कि प्रिपरेशन वाली फेज तैयारी वाली फेज होती है दूसरा पे ऑफ फेज यानी कि जिसमें हमें एटीपी मिल रहा होता है ठीक है तो एक क्या हो जाएगा आपका प्रिपरेटरी फेस जब भी आप कोई काम करने जाते हो तो वहां पहले क्या करते हो प्रिपरेशन करते हो तो ग्लाइकोलाइसिस जब होती है कंप्लीट फाइनली जब फाइब्रेड का फॉर्मेशन होता है उसके पहले ग्लूकोज खुद को प्रिपेयर करता है यानी कि उसमें और भी सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं मॉलिक्यूल्स का एडिशन होता है बॉन्ड्स के ब्रेकडाउन होते हैं

यानी कि फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज कन्वर्जन टू तो ग्लिसरल डिहाइट थ्री फोस्फेट ये फेज़ कौन सा होता है ये स्टेप क्या होता है आपका पहला पॉइंट लिख देती हूं मैं इट इज द फोस्फोराइलेशन ऑफ फोर्सफो ऑफ ग्लूकोज टू कन्वर्ट इट इन ग्लिसरल डिहाइट थ्री फोस्फेट ग्लिसरल डिहाइट थ्री फोस्फेट ग्लिसरल डिहाइड थ्री फोस्फेट को एक साथ लिख देती हूं ग्लिसरल डिहाइट थ्री फोस्फेट ग्लिसरलडिहाइड थ्री फोस्फेट जो होता है यानी ग्लिसरलडिहाइड जो आपका होता है सबसे सिंपलेस्ट शुगर होता है तो पहले स्टेप में क्या होगा फोस्फोराइलेशन होगा ग्लूकोज का एंड से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरलडिहाइड थ्री फोस्फेट में या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन इन दोनों में से इन दोनों मॉलिक्यूल्स में ये क्या होंगे ब्रेकडाउन होंगे दिस दिस फेज फेज कॉल्ड द अब इस फेज को कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या ग्लूकोज को करना पड़ेगा पहला चीज क्या करना पड़ेगा एटीपी कंज्यूम होगी फोस्फोराइलेशन होगा तो एटीपी इज कंज्यूम्ड एटीपी टीपी क्या होता है यहाँ पे यूटिलाइज की जाती है दूसरा फेज देखते हैं डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल्स डेल्टा जी इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इज इंक्रीज्ड क्या हो जाएगा इंक्रीज्ड हो जाएगा नेक्स्ट और क्या होगा नेक्स्ट होगा आपका कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इनटू ग्लूकोज सिक्स नंबर कार्बन कंपाउंड है इसको हम लोग कहते हैं स्कोज स्कोज इज कन्वर्टेड इनटू

डेल्टा जी इंक्रीज करती है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का और क्या होता है कि फोस्फोराइलेशन से ग्लूकोज इज कन्वर्ट इन टू ग्लिस्टल डिहाइड थ्री फोस्फेट नाउ अब टर्न आता है आपका पे ऑफ फेज का पे ऑफ फेज में क्या होगा चलो भाई पे ऑफ फेज देखते हैं क्या होगा ठीक है पे ऑफ फेज यानी कि ऑक्सीडेश ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन ऑफ ग्लिस्टल ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन ऑफ ग्लिस्टर डिहाइड ग्लिस्टरल डिहाइड थ्री फोर्सफेट है ना यहाँ पे इसके बाद के जो इवेंट होंगे वो प्योरफेज होंगे थ्री फोर्सफेट टू पायरुवेट

सी होती है एटीपी भी और एनएडीएस भी एनएडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाने के बाद यह कन्वर्ट होता है ए में वन एन मॉलिक्यूल से तीन मोलिकुलर फेटी बनाया जाता है और एक एफ मॉलिक्यूल से दो मोलिकुलर फेटी भी बनाया जाता है गॉट इट गोटिके क्या हो जाएगा ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन होगा ग्लिस्टर डिहाइट से थ्री फोर्सफेट थ्री फोर्सफेट से किस में कन्वर्जन होगा आपका पायुर्वेद में और आगे बाकी पायरबेट के कन्वर्जन के थ्रू क्या होगा एटीपी का फॉर्मेशन होगा और एनएडीएच का फॉर्मेशन होगा टेक गोट इट अब एटीपी कितनी बनती है एटीपी दो मॉलिक्यूल बनती है एंड टू मॉलिक्यूल एल बनता है तो चलो मैं इसको देख लेते हैं टू एटीपी एंड टू एन ए डी एच इज फॉर्म इन पे ऑफ फेज यहाँ कंज्यूम हो रही थी हमने क्या देखा फिर और ATP is formed in the phase. Just हो गया अब डेल्टा जी कैसा रहेगा डेल्टा जी क्या हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीज जाएगा तो दिस वन इज ऑफ फेज प्रिप्री फेज में ATP होता है और पे ऑफ फेज में एटीपी की सिंथेसिस होती है आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस में कितने इवेंट्स होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं फिर ग्लाइकोलिसिस पाथवे में तुम्हें बताऊंगी पहला इवेंट जो हमारा है हे, हेक्सोकाइनेज यहां पे एक इंजेम इंवॉल्व होती है दैट इज़ द हेक्साइस वी हैव ग्लूकोज मोलेक्युल्स ठीक है ग्लूकोज से कन्वर्ट हो, कन्वर्जन होता है ग्लूकोज सिक्स का। फोस्फेट काम कराने के लिए यहां पे जो इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं दैट इज हेक्सोकाइनेज इंजाइम और यहां पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है एटीपी कन्वर्ट होती है एडीपी में देखो ATP से मॉलिक्यूल लग रहा है स तो में, तो में तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा मैग्नीशियम भी होना चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए इन द प्रेजेंस ऑफ एम जी टू प्लस आयन हेक्सोकाइनीस वर्क करेगा जहां पर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होगा उसके साथ ही ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और इसका फंक्शन होता है कि काइनेज इंजाइम है तो फोस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा काइनेज का मतलब होता है ट्रांसफर द फोस्फेट कहीं से कहीं भी ट्रांसफर करने वाला होता है यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ से हो रही है एटीपी से किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स पे हो रही है ठीक है ए से ये ए है हमारे पास इसमें से मैं अगर इसको एक फोस्फेट निकाल दूंगी तो ये हो जाएगा एडीपी

यहाँ पे हेक्सोकाइनेज की जगह पे ग्लूकोकाइनीज एंजाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं हेक्सोकाइनेज की जगह पे आप हायर क्लास में पढ़ोगे या बोथ हैव द सेम फंक्शन काइनेज है दोनों ग्लूकोज ग्रुप से ही आपको ट्रांसफर कर रहे हैं तो दोनों के दोनों क्या है

ग्लूकोज से कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में दूसरा है ग्लूकोज आइसोमेरेज यहां पे एक दूसरी का इन्वॉल्वेशन होगा और ये क्या करेगी ग्लूकोज सिक्सफेट को कन्वर्ट करेगी फ्रक्टोज में दिस प्रोसेस इज योर यहाँ पे कुछ लिख देती हूं मैं ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट इज आइसोमेराइज टू प्रोज सिक्स फोस्फेट और कैटेलाइज वाइट फोसफो ग्लूकोज आइसोमेराइज इस इंजाइम के थ्रू ये रिएक्शन कैटेलाइज कराया जाएगा कन्वर्ट कराते हैं इसको किसको वी हैव ग्लूकोज सिक्सफेट ग्लूकोज और फोस्फेट जो होते हैं एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं ये है ग्लूकोज सिक्स फोसट यहां पे इंजाइम वर्क करेगा ये वाला फोस्फो प्रोस्फो ग्लूको आइसोमरीज ज आइसोमेरेज ये दूसरा इवेंट हो गया ठीक है ये एक ऐसा इंजाइम है जो इसी का आइसोमर्स बना रहा है तो इसका आइसोमर्स क्या हो जाएगा आपका फ्रक्टोज सिक्स फोस्फेट फ्रक्टोज सिक्स फोस्फेट ये दूसरा इवेंट हो गया दिस वन इज द फर्स्ट इवेंट एंड दिस वन इज द सेकेंड इवेंट

और इसको ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं एल्डोजिस कहते हैं कीटोजेस एंड एल्डोजिस व्हाट इट आगे देखते हैं फ्रक्टोज सिक्स फोर्सफेट में इंजाइम वर्क करेगा फोर्सफो फ्रक्टो काइनेज देखो फिर आ गया क्या काइनेज इंजाइम आ गया फिर से ये वाला काइनेज यानी कि फिर से फोर्सफेट ग्रुप का एडिशन होना चाहिए काइनेज यहां था तो एक फोर्सफेट ग्रुप लग गया काइनेज यहाँ नहीं था आइसोमेरेज था तो फोस्फेट रूप नहीं हुआ बस आइसोमेर आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्जन हुआ और फिर एक और फोस्फेट लगाओगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एक और कन्वर्जन होगा फ्रक्टोज वन सिक्स बिस्फेट फ्रक्टोज से किसमेंटन कन्वर्जन होगा फ्रक्टोज वन सिक्स बिस्फेट

फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज के एंजाइम कौन से होंगे फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज अब ये ट्रांसफर कहाँ से होगा क्वेश्चन है कि ये जो एटीपी सॉरी ये जो फॉस्फेट ग्रुप लग रहा है पहले तो सिर्फ छठे पे था अब हम फर्स्ट पोजीशन पे भी लगा रहे हैं तो ये फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप आया कहाँ से तो फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है वो कहां से आएगा एटीपी से आएगा ए से कन्वर्जन होगा ए डी पी यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप निकल करके यहाँ पर एड ऑन हो जाएगा इसलिए आप में, तो क्या करती ट्रांसफर कराती ग्रुप को फ्रॉम ए फॉस्फेट देन दैट फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इन टू फ्रक्टोजो इट किसमें कन्वर्जन हो जाएगा वन सिक्स बीस में और यू कैन से इट कैटेलाइज द सेकेंड कैटेलाइज सेकेंड फोर्स रिएक्शन

ग्लिसरल डिहाइड थ्री में इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल डिहाइड थ्री तो यहाँ पे इंजाइम यूज होंगे एल्डोजेस क्योंकि एल्डोजेस ऐसे इंजाइम है जहां पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है जहां पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है यानी कि जहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बोनिल ग्रुप उसमें ये बॉन्ड में ब्रेक करते हैं एल्डोजिस एल्डोज इंजाइम है जो कि बॉन्ड को, कार्बोनिल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो यहां पे इंजाइम इन्वॉल्व होगा एल्डोजिस सॉरी एल्डोजिस एल्डो लेजिस एंजाइम बॉन्ड तो जब ब्रेक होगा तो कई छे नंबर कार्बन था ग्लिस्टल डिहाइड थ्री नंबर कार्बन होता तो ये एक कहीं में नहीं ब्रेक होता है इसके साथ साथ ये एक और कंपाउंड में ब्रेक होता है इस कंपाउंड का नाम होगा डीएचए यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट प्लस डी एच ए डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट ये इसमें कन, कन्वर्जन होगा This event you can say that retro aldol cleavage. This reaction is aldol cleavage. Aldol cleavage. और यू कैन दिस वन इज़ द फर्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन फर्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन ये क्या आपका फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन एंड ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन ये हो गए चार इवेंट नाउ ग्लिसरल डिहाइट थ्री फोस्फेट और डीएचए दोनों को अलग अलग ले लो दोनों में से किसी एक से क्या हो जाएगा ट्राइज फोस्फेट आइसोमरेज और ये कन्वर्ट करेगा ये फिफ्थ इवेंट होगा ये ग्लिसरल डिहाइट थ्री फोस्फेट में कन्वर्जन होगा किसका भाई वन थ्री बीस फोर्स में तो यहां तक जो इवेंट थे ये सारे के सारे इवेंट आपके पे ऑफ वाले थे सॉरी प्रिपरेटरी फेजेस वाले थे कि ग्लूकोज से कन्वर्ट कन्वर्जन हो गया ग्लूकोज सिक्सफेट बाई द इंजाइम ग्लूकोज सिक्सफेट इज कन्वर्टेड टू फ्रक्टोजेट और ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है

आइसोमेरिक एंजाइम है, तो ये डाइहाइड्रोक्सिडल डिहाइड थ्री फोर्स को किसमें कन्वर्ट कर देगी यहाँ पे मैंने क्यों बात इडेट ठीक है ऐसे मेरे इसके थ्रू ये कन्वर्जन होगा या डाईहाइड्रोक्सी एजिटोन का कन्वर्जन होगा आपका ग्लिस में ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन दिस वन इज आल्सो

ट ठीक है और इंजाइम कहां से कहां लग रहा है बेटा ग्लिसरल डिहाइट थ्री फोस्फेट इंजाइम यहां पे काम कर रहा है इसके अलावा अब ये पे ऑफ फेज है तो पे ऑफ फेज है तो यहाँ पे क्या होती है सिंथेसिस होती है पहला सिंथेटिक फेज ऑक्सीडेटिव फोस्फोरलेशन कह सकते हो फर्स्ट फेज होता है इसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी ना अभी डेफिनेशन लिख लेते हैं खाली बाकी बाद में और चीजें ये वाला साइकिल नेक्स्ट फेज पे कराती हूँ मैं तुम्हारे तो लिए क्योंकि बहुत तो कंजेस्टेड ओके फर्स्ट मनीस ट्राइस फर्स्ट फिट मेस ये क्या कराती भाई दिस इंजाइम अभी तक जो भी सुगर था ये क्या था फ्रक्टोज 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 तो ये यहां पे क्या है कीटोज शुगर है तो दिस इंजाइम कन्वर्ट कीटोज किटोसूगर इनटू एल्डोज सुगर एल्डिहाइड वाले फंक्ल ग्रुप में ये क्या करती है

ऑक्सीडेशन कराने के लिए ट्रांसफर द हाइड्राइड टू एन ए डी प्लस ठीक है एन ए डी प्लस पे हाइड्राइड एच प्लस का एडिशन कराएगी हाइड्राइड मतलब एच प्लस तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एनएडीएच में हाइड्राइड यहाँ पे क्या है आपका एच प्लस है एच प्लस इज द हाइड्राइड हाइड्राइड आयन है ये ट्रांसफर करती है हाइड्राइड टू एनएडी प्लस से ये किस किसमें कन्वर्ट हो जाता है एनएडीएस में कन्वर्जन हो जाता है और यहां पे फोस्फेट ग्रुप यूज होता है इंस्टेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरा पॉइंट फोस्फेट ग्रुप इज यूज इंस्टेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स तो फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा यूज होगा तो ये क्या हो जाएगा फॉस्फो ट्राइलेशन होगा नेक्स्ट इवेंट देखते हैं हम लोग फॉस्फो काइनेज अगेन एक इंजाइम आ गया काइनेज तो ये भी क्या करेगा फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर ही ट्रांसफर कराएगा चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है ट्रांसफर द ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ ए फॉस्फेट फ्रॉम वन पोजिशन टू थ्री पोजिशन किस पोजिशन से किस पोजिशन पे वन पोजिशन से थ्री पोजिशन पे फॉस्फेट रूप का क्या होता है ट्रांसफर होता है दैट इज बिकॉज़ ऑफ द फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम काइनेज एंजाइम हमेशा फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर ही कराता है दिस इज द बिकॉज़ ऑफ द काइनेज एंजाइम नाउ लेस्ट इवेंट इज योर फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या होता है इस रिजल्टेंट इज इसका जो रिजल्टेंट होता है रिजल्टेंट इज थ्री फोर्स फोर ग्लिस थ्री फोर्स फोर ग्लिस टू आइसोमराइज टू टू फोर्स

एनर्जी इंटरमीडिएट यहां से फॉर्म होगा ठीक है अब इससे पायरवेट काइनेज जो कि कन्वर्ट करेगा इसको पायरविक एसिड में कन्वर्जन ऑफ फॉस्फो इनॉल इनटू इंटू एसिड कन्वर्जन ऑफ फॉस्फो इनोल तो हमने अभी तक का कौन कौन सा फेज देख लिया था प्रीपरेटरी फेज देख लिया था नाउ लेट्स मूव टू द ग्लाइकोलिस और इस स्टेप के बाद हम लोग देखेंगे कि इसके इंपोर्टेंस क्या है तो स्टेप नंबर वन यानी प्रिप्रेटरी फेज से ही स्टार्ट कर देती हूँ तो सबसे पहला आप देखोगे क्या कि हमारे पास है सिस्टम हमने बहुत रोटी चपाती सब कुछ खाया है ब्रेक डाउन हो डाइजेशन में कन्वर्ट गया में. तो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगा भाई ग्लूकोज इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इन टू द ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट अब यहाँ पे फोस्फेट लग रहा है तो फोस्फेट आएगा कहां से ये फोस्फेट आता है एटीपी से ATP ए कन्वर्ट होती है एटीपी प्लस पी आई इन उपर, ये वाला कि फॉस्फेट ग्लूकोज के ऊपर पे ऐड फंक्शनल ग्रुप का और छ नंबर कार्बन का है इसलिए हेक्सो काइनीज इसका नाम है ये वाला फंक्शन आपका ग्लूकोकाइनेस भी करा सकता है ठीक है ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट से ये क्या बनता है आपका फ्रक्टोफेट तो यहां पे आइसोमेरिज्म हो रहा है ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट इज कन्वर्टेड इंटू फ्रक्टोजेट ठीक है ग्लूकोज सिक्स फोर्सफेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है फोस ठीक है ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट इज कन्वर्टेड इंटू फ्रक्टोज सिक्स फोस्फेट और फ्रक्टोस सिक्स फोस्फेट के लिए इंजाइम होगा फोस्फो हेक्सो आइसोमेरेज या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग लिख देते हैं का नाम आइसोमेरेज फोस्फो फ्रक्टो आइसो या सिंपली तुम आइसोमेरेज इंजाइम भी कहते हो ग्लूकोस से कन्वर्जन हो गया फ्रक्टोज में यहाँ पर पहला एटीपी यूज होता है तो ये वाला प्रोसेस जो होता है ये इवेंट को हम लोग कहते हैं ये वाला इवेंट दिस इवेंट इज योर फर्स्ट फोस्फोराइलेशन फर्स्ट फोस्फोरेशन इवेंट ओके ग्लूकोस से कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट से किसमें कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज सिक्स फोस्फेट यहाँ फ्रक्टोज सिक्स फोस्फेट से कन्वर्जन होगा फ्रक्टोज वन सिक्स बीस में फ्रक्टोज वन सिक्स बीस अब यहाँ पर भी कोई ना कोई इंजाइम यूटिलाइज होगा काइनेज टाइप का इंजाइम तब पे एक एक फोस्फेट ग्रुप यहाँ पे और ऐड हो रहा है फर्स्ट पोजीशन पे पहले सिक्स पे था अब एक और ऐड हो रहा है सिक्स पोजीशन पे तो यहाँ पे जो इंजाइम यूज होते हैं ये कहलाते हैं फोस्फो फ्रक्टो काइनेज देखो आइसोमेरेज था ये और ये क्या है काइनेज है यहाँ पर ये ट्रांसफर कराएगा ए से एक ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में प्लस पी यही वाला पी आई आके फर्स्ट पोजिशन ऑफ ग्लूकोज पे आके लग गया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया यहां तक चीजें क्लियर हो गई दिस वन इज द फर्स्ट फोर्सफोराइजेशन यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो रहा है ये इवेंट जो हो जाएगा आपका ये वाला फ्रक्टोज सिक्स फोर्सफेट से फ्रक्टोज़ फ्रक्टोजेट में ये इवेंट होगा सेकेंड फॉस्फोराइलेशन आप देख पा रहे हो कि यहां पर ए का यूटिलाइजेशन हो रहा है एक यहाँ पर एक यहां पे फर्स्ट इवेंट सेकेंड इवेंट और ये हो जाएगी थर्ड इवेंट ठीक है अब फ्रक्टोज वन सिक्स बिस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेम किसमें कन्वर्ट होगी ग्लिस्ट फोस्फेट में ग्लिस्टर थ्री फोस्फेट प्लस डी एच ए डाइहाइड्रॉक्सी एसिटोन थ्री फोस्फेट में ये क्या होती है कन्वर्ट होती है तो ग्लिस्टर डिहाइड वाले में तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा आपका एल्डिहाइडिक होगा लेकिन डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है कीटोन

कंडेंसेशन फर्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है ग्लिसरल डिहाइड थ्री तो एज इट इज रहेगा लेकिन ड्राई हाइड्रोक्सी एसिटोन को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लिसरल डिहाइड थ्री में हमारे पास क्या है ग्लिसरल डिहाइड थ्री दूसरी साइड क्या है डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोन एसीटोन है तो इसके पास मेन फंक्शन रूप क्या है किटोन यानी कि है। इसको कहते हैं हम लोग डीएचए डीएचए में ट्राइ हाइड्रोक्सी सॉरी ट्रायोसोमेज इसी का आइसोमेरिक फॉर्म कन्वर्जन करना है तो ये ट्रायोजोस्फेट आइसोमेरेज जब तक हम ग्लूकोज यूज कर रहे थे

दो जगह पे आपको काइनेज इंजाइम यूज हो रहे होंगे एक यहाँ पर और एक यहाँ पे और एक जगह पे कंडेंसेशन रिएक्शन होता है एल्डोलेजेस से जिसमें इंजाइम यूज होते हैं एल्डोलेज गॉट इट तो ये हो गया आपका प्रिपरेटरी फेज दिस वन इज द प्रिपरेटरी फेज ये ये वाला फेज है इसकी बात कर अब प्रिपरेटरी फेज के बाद नेक्स्ट फेज जाते पे जाते हैं पे ऑफ फेज नेक्स्ट देखते हैं हम लोग Pay off phase. देखेंगे पे ऑफ एज पे ऑफ फेज पे ऑफ फेज में यानी एनर्जी हमें मिल रही है अब एनर्जी लाने के लिए हमारे पास पांच स्टेप इन्वॉल्व हो चुके थे पांचवें स्टेप में क्या बना था ग्लिस्टरल डिहाइट थ्री फोर फिट ग्लिस्ट्रल थ्री फोर्स ग्लिसरल डिहाइड थ्री में ग्लिसरल डिहाइड थ्री फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेस इंजाइम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे या सिंपली लिख देती हूँ डिहाइड्रोजिनेज इसी का इंजाइम है इसलिए ग्लिसरल डिहाइड थ्री फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेज लिखेंगे डी हाइड्रोजिनेस ठीक है अब डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम क्या करता है कि ये एक तो वाटर की जगह पे हम यहाँ पे यूज करते हैं फास्फेट ग्रुप तो सिस्टम में हमारे एड ऑन हो गया इनऑर्गेनिक फास्फेट दूसरा ये प्रोड्यूस करता है हाइड्राइड आयन और हाइड्राइड आयन जाके एनएडी प्लस से लगते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट होते हैं एनएडीएच में तो दूसरा इवेंट हमें ये देखने को मिलेगा बच्चा कि एनएडी प्लस इज कन्वर्टेड इनटू एन ए डी एच यहां पर ऐड कर दो एक एच प्लस आयन यानी कि हाइड्राइड आयन ठीक है चूंकि ये एक इवेंट की बात रहे हुए दूसरा थ्री फोर्स भी ऐसा ही बन रहा होगा तो हर जगह पे हम इसको दो दो से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे ठीक है ये इसमें कन्वर्ट होगा तो यहां पे लिख देती हूँ मैं इसको एच प्लस इधर हाइड्रोजन गॉट इट नाउ ये किसमें कन्वर्ट होगा इस इंजाइम का क्या मोटो हो जाएगा वन थ्री काइनेज है तो वन थ्री सॉरी डिहाइड्रोजनेस यहां से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहा है कहीं से ये हो जाएगा वन थ्री ग्लिसरेट चूंकि ये दो मॉलिक्यूल बनेगा इसका ये मैं दोनों पाथवे की बात करूँ ये दो जगह पे डाइहाइड्रोक्सी का भी का भी ये तो दो मॉलिक्यूल आपके कन्वर्ट होंगे ये भी दो मॉलिक्यूल था ना सब अब यहाँ पे दो, दो 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 चलेंगे अब इसके बाद आगे के इवेंट क्या होंगे आगे के इवेंट होंगे ये कन्वर्ट होगा वन थ्री बीस फोस्फोग्लिसरेट से थ्री फोस्फोग्लिसरेट में थ्री फोस्फोग्लिसरेट में ठीक है थ्री फोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे फोस्फो काइनेज लगेगा फोस्फोग्लिसरेट काइनेज फोस्फोग्लिसरेट काइनेज

फोस्फो ग्लिसरेट म्यूटेज सिंपली आप म्यूटेज भी लिख सकते हो सिंपली तुम चाहो तो इसको काइनेज इसको म्यूटेज इसको डिहाइड्रोजिनेज इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो टर्म तो ये किस में कन्वर्ट हो गया टू फोस्फो में टू फोस्फो के बाद आगे की चीजें देखते हैं हम लोग यहाँ पे इनोलेज इंजाइम का होल लगेगा सेम चीज सेम चीज मैं इधर लिखती हूँ टू फोस्फोलि यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करेगा स्टेप दैट इज द इनोलेज ठीक है तो इनोलेज इंजाइम वाटर मॉलिकल्स को रिमूव कराता है क्या रिमूव करता है माइनस एस टू ठीक है एस टू यहाँ पे क्या होता है निकलता है और ये कन्वर्ट होता है फोस्फो इनोल पायरुवेट में ट फोसफो इनोल पायरुवेट से हमें सिर्फ चाहिए पायरुवेट हमें इनोल नहीं चाहिए और फोस्फेट भी नहीं चाहिए क्या चाहिए पायरुवेट चाहिए फोस्फेट को हटाना है तो कोई ना कोई काइनेज इंजाइम इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे जो इंजाइम इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है पायरुवेट काइनीज पायरुवेट ठीक है इस एंजाइम का नाम क्या है ये ये क्या है आपका? आ, तो ये कन्वर्ट कर दी है आपका? तो को ATP में, ठीक है और क्योंकि दो एटीपी होगा दो एटीपी बनेगा यहाँ पे दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एड ऑन होंगे और बन गया हमारा पाइवेट अब ध्यान से देखो ये सारे के सारे जो इवेंट होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं सबके सब पहला वाला स्टेप को छोड़ करके सबके सब इवेंट जो है वो हमारे रिवर्सिबल हैं ऑल द इवेंट्स आर रिवर्सिबल सारे इवेंट्स हमारे क्या हैं रिवर्सिबल इवेंट्स होते हैं तो पहले ग्लूकोस से ग्लूकोस 6 फास्फेट में ग्लूकोस 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट -ph 1 6 बिस्फोस्फेट

तो टोटल टोटल एटीपी इज फॉर्म कितना हो गया फोर एटीपी टीपी ठीक है ये दोनों पे ऑफ फेज है ये है ये है और ये है और टोटल एन कितना बना भाई टू एन बना पूरे कंप्लीट एक ग्लायकोलोसिस में अब पीछे की इवेंट में जाओगे प्रिपरेटरी फेज में दो एटीपी यूटिलाइज की गई थी एटीपी यूटिलाइज की गई थी फ्रक्टोस से फ्रक्टोज वन सिक्स बनाने के लिए और फ्रक्टोस 6 बनाने के लिए वहां पे दो एटीपी इस्तेमाल की गई थी तो टोटल यूज्ड कितनी थी दो एटीपी दो एटीपी इस्तेमाल किया गया नाउ नेट एटीपी कितना हो जाएगा फिर नेट एटीपी इक्वल टू फोर माइनस टू दो ए नेट बनता है के में और एनेडि, बनता है वो क्या है ग्लाइकोलिसिस कहलाती है अब मैं बताती हूँ कि ग्लाइकोलिस क्या है आई मीन की थ्री नोटवर्दी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिस में एक्चुअली होता क्या है पहला डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन स्कैल्टू द्ल ग्लूकोज टूल degradation of carbon skeleton of glucose glucose into pyruvate ठीक है pyruvate बनाने के लिए ये breakdown होता है दूसरा और क्या ऑब्जर्व होता है इसमें फॉर्स ऑफ एडीपी टू ए टीपी ऑफ एडीपी टू ए एडीपी से का फॉर्स होता है और एटीपी में कन्वर्ट होती है बाई कंपाउंड कंपाउंड विथ हाई एनर्जी विथ हाई फॉस्फोरिल ग्रुप विथ हाई फॉस्पोरिल Transfer with high phosphoryl group to transfer potential formed during glycolysis. Next transfer of हाइड्राइड आयन टू एन ए डी प्लस टू कन्वर्ट इन टू एन ए डी एच एनएडीएच में इसका कन्वर्जन होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं पहला कार्बन स्केलेटन यानी ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होता है टू इल्डिंग दायरवेड सेकेंड फोस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी इनटू एटीपी

ये सारे इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं मेजर इवेंट्स इन द ग्लाइकोलाइसिस अगर ग्लाइकोलाइसिस का कंप्लीट इक्वेशन देखें तो ग्लूकोज ग्लूकोज में टू एनएडी प्लस इनो, टू एडीपी प्लस टू पायरवेट प्लस टू एनएडीएच प्लस टू एच प्लस टू एडीपी ये रिएक्शन क्या होते हैं फॉर्म होते हैं और इन ऑल इनोलेज इंजाइन जो करती है वाटर मालिकूल का रिमूवल तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म्ड होते हैं सो इट्स ऑल अबाउट योर ग्लाइकोलिस डिटेल फॉर्म में आपने ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस किया है हमने थैंक यू हैव ए ग्रेट डे बाय बाय इसको मस्त अच्छे से एक बार और रिवाइज करना आप अच्छे से इसको पढ़ लेना ठीक है यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं एग्जाम में बाय बाय हैव ए ग्रेट डे